हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फनटेक बूम पर। तो यार जैसा कि आप जानते हो, आज है सैटरडे और हमारे सैटरडे को लेकर आते हैं अपनी वीकली टॉप टेक अपडेट सीरीज की एक और नई वीडियो, जिसमें आपको आने वाले स्मार्टफोन के लीक्स, रूमर्स, प्राइसिंग और जितने भी टेक अपडेट निकल के आए हैं बड़े बड़े पिछले हफ्ते से इस हफ्ते तक सुनने को मिलते हैं। और आज के जो टेक अपडेट है ना, बहुत सारे और काफ़ी कमाल कमाल के निकल के आ रहे हैं। तो अगर आपका टेक में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है तो आज की इस वीडियो में तो एंड तक बने ही रहना। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, जिससे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का टेक वीडियो। पहले अपडेट की बात करूं तो यार आज का सबसे बड़ा टेक अपडेट जो मैं बताना चाहूंगा वो है कि जियो ने अनाउंस कर दिया है अपना 5G नेटवर्क वो लेके आ जाएंगे इंडिया में 2021 के सेकेंड हाफ में। हालांकि मेरे को ये लगता है कि यार पूरी जगह कवर होने में अभी 2022 तक भी लग जाएगा, बट काफी अच्छी बात है यार 5G इंडिया में आ जाएगा। पर मेरे हिसाब से, मैं अपने ऑनेस्ट ओपिनियन दूं ना, तो यार 4G को तो अभी तक इतना सुधारा नहीं है इन्होंने। और यार मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला था, लेटेस्ट वीडियो आपको नहीं मिल पा रही है, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगा यार, क्योंकि काफी ज्यादा डिस्टर्ब हूं। इधर से एक फैमिली फंक्शन भी आ गया था, ऊपर से मेरे एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तो सारी वीडियोस मैंने शेड्यूल कर रखी हैं, एक भी दिन मैं मिस नहीं करना चाहता यूट्यूब का, इसलिए आपको लेटेस्ट अपडेट नहीं दे पा रहा हूं, लेटेस्ट वीडियो बना के नहीं दे पा रहा हूं। अब भी मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, मतलब मेरी आंखें बहुत ज्यादा सूजी हुई दिख रही होंगी वीडियोस में, तो यार थोड़ा एडजस्ट कर लेना। वैसे भी मैं टेक न्यूज सैटरडे को शूट करता हूं, अब फ्राइडे को कर रहा हूं, क्योंकि जिस टाइम आप ये टेक न्यूज देख रहे हो ना, उस टाइम मैं एग्जाम दे रहा हूं, तो यार थोड़े बहुत दिनों के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लो प्लीज, मैं लेटेस्ट वीडियो नहीं बना पाऊंगा। अगले अपडेट की बात करूँ तो रियलमी की तरफ से निकल के आ रहे हैं, काफ़ी टाइम से टीज कर रहा है रियलमी म्याऊ, पता नहीं क्यों, लेकिन रियलमी 15 दिसंबर को एक काफ़ी अच्छा लॉन्च इवेंट रखने वाला है, जिसमें काफ़ी सारे IoT प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगा अपने। और ये भी कहा जा रहा है इस इवेंट में रियलमी की वॉच SS Pro भी लॉन्च हो सकती है। अब देखते हैं क्या क्या लॉन्च करेगा रियलमी इसमें, और वीडियो मैं यार टाइम पे दे पाऊंगा यानी इसका कोई गारंटी नहीं ले सकता। अगली न्यूज़ की बात करूँ वो दोबारा रियलमी की तरफ से निकल के आ रही है, रियलमी नार्जो 30 सीरीज, 30A, 30, 30 Pro लॉन्च होने वाले हैं बहुत जल्दी। अब 2020 में तो नहीं होंगे, 2021 के जनवरी में, मिड जनवरी या फिर एंड जनवरी तक हो जाएंगे। हालांकि नार्जो 20 सीरीज काफी कमाल की थी यार, मेरे को तो उसके तीनों कोन काफी अच्छे लगे थे, अब देखते हैं 30 सीरीज कितनी अच्छी होती है। अगली न्यूज की बात करूं दोबारा रियलमी की तरफ से निकल के आ रही है, क्योंकि आज बहुत सारी न्यूज है, रियलमी X7 Pro ग्लोबली लॉन्च होने वाला है 17 दिसंबर को। अब ये नहीं पता इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगा या नहीं, या फिर दिसंबर के बाद जनवरी में ही लॉन्च होएगा मेरे हिसाब से। तो अगली न्यूज़ की बात करूँ तो Redmi 9 Power लॉन्च करने वाला है स्नैपड्रैगन 662 के साथ 17 दिसंबर को इंडिया में। अगर आपको सारे फोन इस फोन के सारे स्पेक्स जानने हैं तो आई बटन में एक वीडियो दूंगा, जो चाइना में Redmi Note 9 4G के नाम से लॉन्च हुआ था, वही ये Redmi Note 9 Power बन के आ रहा है। मतलब यार 9 सीरीज इनकी खत्म होने में ही नहीं आ रही है, और जो चाइना में लॉन्च हुए थे Note 9 5G की इंडिया में लोग डिमांड कर रहे थे कि यार 5G फोन आएगा 18,000 के आसपास, लेकिन ये 4G दोबारा लॉन्च कर रहे हैं, पता नहीं क्या होने वाला है, फोन कैसा होएगा, और 6000 mAh की बैटरी, मतलब स्पेक्स तो सारे पता ही हैं, प्राइसिंग देखेंगे 17 दिसंबर को। अगली न्यूज की बात करूं तो सैमसंग की तरफ से निकल के आ गया है सैमसंग S21 14 जनवरी 2021 को लॉन्च हो सकता है, और जो उसकी पहली सेल होगी 29 जनवरी 2021 को लग सकती है। और सबसे बड़ा लीक ये निकल के आ रहा है कि इस फोन के अंदर आपको चार्जर देखने को नहीं मिलेगा, जो कि मतलब बहुत ही बेकार अपडेट मैं कहना चाहूंगा। अगली न्यूज की बात करें तो यार एप्पल जो अपने स्टूडियो लॉन्च करने वाला था, एयर स्टूडियो हेडफोन जिन्हें मैं कहूँ, तो यार उसको लॉन्च कर दिया, लेकिन एप्पल स्टूडियो नाम नहीं रखा है, एप्पल एयरपोड्स मैक्स नाम रखा है। काफी मतलब लोग कह रहे हैं कि यार बहुत ज्यादा ओवर प्राइस है, 60,000 की इसकी प्राइसिंग रखी गई है। मैं बताऊं तो यार बिल्कुल मतलब लग्जूरियस लाइफ, अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है ना तो ये हेडफोन्स काफी अच्छे हैं, लेकिन अगर आप लग्जूरियस लाइफ नहीं जीना चाहते, मतलब लग्जूरियस लाइफ से हटके अगर आपको कोई प्रीमियम हेडफोन चाहिए बस म्यूजिक के लिए, तो यार मेरे को सोनी WH-1000X4M4 जो भी नाम है उनका, वो काफी अच्छे लगते हैं, वो इससे हाफ प्राइस में 30,000 में आ जाते हैं, और मतलब बिल्कुल इनको टक्कर देते हैं। अगली न्यूज की बात करूं तो सैमसंग का एक फोन सैमसंग A52 लीक होकर निकल के आया कि इसमें स्नैपड्रैगन का 750G हो सकता है, और ये 20,000 के अंदर आने वाला सैमसंग का 5G फोन हो सकता है। अब देखते हैं कब तक लॉन्च होगा ग्लोबली और इंडिया में भी। अगली न्यूज की बात करूं तो OnePlus की तरफ से निकल के आ रही है OnePlus 9 Pro जो होने वाला है, 3 फोन लॉन्च होंगे, 9E, 9 और 9 Pro। 9 Pro जो होने वाला है उसमें आपको IP68 की रेटिंग देखने को मिल सकती है, जो कि काफी अच्छी बात है। अगली न्यूज़ की बात करूँ तो एप्पल की तरफ से निकल के आ रही है, ये तो काफ़ी टाइम से लीक निकल के आ ही रहा था कि एप्पल M1 के बाद M1X या M2 अपनी चिप लॉन्च कर सकता है। अभी नाम का तो लीक निकल के नहीं आ रहा है, नाम पहले लीक निकल के आए थे, लेकिन ये कहा जा रहा है जो उसकी फ्लैगशिप वाला मतलब जो मैकबुक प्रो के लिए वो चिप निकालेगा ना, वो 32 कोर पे बेस्ड होगी, मतलब 32 कोर वाली चिप होगी यार। अब मतलब M1 ही इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है 8 कोर के साथ, तो यार सोचो जो मतलब अगली चिप आने वाली है ना एप्पल की, बहुत ही फाड़ होने वाली है। अगली न्यूज़ की बात करें तो नोकिया की तरफ से निकल के आ रही है, नोकिया अपने लैपटॉप लॉन्च कर सकता है 2021 में इंडिया में। हालांकि यार आप अपने पर्सनल ओपिनियन जरूर बताना कि अगर आपको 50-60 हज़ार का कोई भी लैपटॉप लेना हो, आप MI, Realme, Nokia, Oppo, Vivo ऐसी ब्रांड के साथ ट्रस्ट करना पसंद करोगे, या फिर HP या Dell या Apple
इन ब्रांड्स के लैपटॉप लेना पसंद करोगे। अगली न्यूज की बात करें तो मोटोरोला की तरफ से निकल के आ रही है, मोटोरोला ने लॉन्च कर दिया अपना मोटोरोला G9 पावर जो कि 12,000 रुपए की कीमत पे आता है। काफी कमाल फोन है, लेकिन यार अभी तक मैं इसकी वीडियो नहीं बना पाया हूँ, सॉरी यार। मतलब भाई बस थोड़ा डिस्टर्ब चल रही है लाइफ की यार, पेपर भी आ गए एक साथ, थोड़े फंक्शन भी आकर, यूट्यूब पे भी वीडियो काफी सारी शेड्यूल करके रखनी पड़ती है। तो जैसे ही टाइम मिलेगा मैं इसकी वीडियो आपको दे दूंगा। हालांकि काफी कमाल का फोन है यार, माइक्रोमैक्स इन नोट 1 के साथ भी कंपैरिजन ले आऊंगा, और इन नोट 1 की अनबॉक्सिंग मैंने इस हफ्ते डाली थी, अगर अभी तक नहीं देखी तो आई बटन में दे दूंगा, जाकर देख लेना, काफी कमाल का फोन है। अगली न्यूज की बात करें तो मी की तरफ से निकल के आ रही है Xiaomi QLED TV 5 सीरीज 16 दिसंबर को लॉन्च होने वाली है क्वांटम डॉट डिस्प्ले के साथ, 16 दिसंबर को इंडिया में आ जाएगी। हालांकि मी के टीवी काफी अच्छे होते हैं यार, पर वही बात आ जाती है कि अपने पर्सनल ओपिनियन जरूर बताना। अगर आप कोई टीवी लेने की सोचते हो तो MI Realme की तरफ देखते हो, या फिर सोनी LG सैमसंग ऐसे ब्रांड के टीवी लेना चाहते हो। मैं अपने पर्सनल ओपिनियन बताऊं ना तो यार 32 इंचेस और 43 इंचेस तक अगर लेना हो 25,000 तक, तो यार MI और Realme के टीवी मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, काफी अच्छी वैल्यू फॉर मनी देते हैं। लेकिन अगर कोई फ्लैगशिप लेवल का मतलब टीवी लेना होना 50,000-60,000 का, तो मेरे को सोनी ज्यादा अच्छा लगता है। हालांकि सोनी LG सैमसंग काफी अच्छे हैं, लेकिन मी रियलमी को मैं इतना प्रेफर नहीं करता हूं। अगली न्यूज की बात करें तो यार YouTube की तरफ से निकल के आ रही है, YouTube का ये कहना है कि यार सुधर जाओ, मतलब बस सुधर जाओ। YouTube ने वार्निंग दी है कि जितने भी लोग मतलब गंदी गंदी कमेंट्स करते हैं, कुछ अब्यूजिंग करते हैं कमेंट में ना, तो उनका चैनल टर्मिनेट भी हो सकता है। अब अगर आपको कोई YouTube चैनल है नहीं, आपकी ID टर्मिनेट हो जाए, उससे तो आपको शायद इतना फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर आपका एक YouTube चैनल है मेरी तरह, और आप किसी की वीडियोस पे गंदी गंदी गालियां कमेंट करते हो जैसे मेरी वीडियोस के नीचे आती हैं, तो करना छोड़ दो भाई, YouTube आपके चैनल को टर्मिनेट भी कर सकता है और काफी नुकसान हो सकता है आपका। तो अगर आपको किसी को गाली देनी है कमेंट बॉक्स में, तो अपनी एक अलग ID बना लो जिसके बैन करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि मैं किसी को ऐसी कमेंट्स करता नहीं हूं, क्योंकि मेरे को पता है यार वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो यार खत्म करते हैं आज के टेक अपडेट यहीं पर। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको सबसे अच्छा टेक अपडेट कौन सा लगा, काफी सारे आए थे और बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे निकल के आए थे, मतलब आज तो बहुत ही ज्यादा टेक अपडेट थे। तो खत्म करते हैं आज की वीडियो यहीं पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत जाना, और डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो लेट कर रही हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मैं मिलूंगा आप जल्दी अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए कीप वॉचिंग फन टेक, बूम।